इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में आज का दिन एहतजाज का दिन रहा। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ अपना मुतालबा पेश किया। खास तौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क भर में ईडी की तरफ से पीएफआई के दफ्तरों और जिम्मेदारों के घरों पर छापेमारी कर हिरासा और परेशान कर रही है। आज कसीर तादाद में डीसी दफ्तर के सामने जमा होकर अपना एहतजाज दर्ज किया और मोदी हुकूमत येडियुरप्पा हुकूमत के खिलाफ पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि अगर भाजपा या मोदी हुकूमत ईडी की छापेमारी के जरिए तंजीम को डराने की कोशिश कर रही है तो पीएफआई किसी हाल में डरने वाली नहीं है। आगे बेलगाम यूनिट के जिम्मेदारों ने यह भी कहा कि आरएसएस के इशारे पर हुकूमत ये तमाम घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। मौलाना अब्दुल वाहिद जनाब अबरार गर्ग ने पॉपुलर फ्रंट एक सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीम है और सामाजिक खिदमत को किसी मजहब जात पात जबान का तफरका न करते हुए बेलौस खिदमत अंजाम करते हैं। पर आरएसएस संघी विचारधारा के लोग मुसलमानों को, दलितों और दिगर पिछड़े तबकात को दबाने की साजिशें वारा करते रहते हैं। आज पूरे मुल्क में पीएफआई की जानिब से एहतजाज किए गए। बेलगाम शहर में भी इसी के मद्देनजर कसीर तादाद में पीएफआई के नौजवानों ने एहतजाज किया। मोदी अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी फरमाई। बेलगाम डीसी एमजी हिरेमठ को उन्होंने अपना मुतालबा पेश किया। डीसी बेलगाम ने मुतालबे को आगे पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इसी तरह मुख्तलिफ दलित तंजीमों की जानिब से भी मुतालबे पेश किए गए। कर्नाटक राज्य मादिगर संगठन ने बेंगलोर के बेलगाम शाख की जानिब से बेलगाम डीसी को मुतालबा पेश किया। अपने मुतालबे में उन्होंने कहा कि सैकड़ों सालों से दलित अछूतों के साथ नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती होती आई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के अशद्ध जद्दोजहद के बाद तमाम पिछड़ों को इंसाफ मिला। जस्टिस ए जे सदाशिव कमीशन ने दलित पिछड़ों के बारे में 15% अछूतों के बारे में जो सहूलत फराम होनी थी या दलित पिछड़े अछूतों तक पहुंचनी थी नहीं पहुंच पाई, लिहाजा पिछले 30-40 सालों से सहूलतों से महरूम रखा गया। लिहाजा अब तमाम पिछड़ों अछूतों ने मुत्तहिद होकर अपने हक हासिल करने के लिए आवाज उठाई है। कर्नाटक राज्य माधिकार तंजीम की जानिब से अशोक ने अपने ख्याल का इजहार किया और मुतालबा भी पेश किया। बेलगाम शहर में एक और एहतजाज करते हुए केएसआरटीसी मुलाजमीन की जानिब से बसों के नकलो हरकत बंद रखा। उनका मुतालबा था कि मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमत का दर्जा हासिल हो और उन्हें तमाम सरकारी सहूलतों को मुहैया किया जाए। लिहाजा अपनी मांग मनवाने के लिए बसों की नकलो हरकत को रोक दिया गया था, जिससे मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसी दरमियान किला तालाब के करीब संकेश्वर बेलगाम बस पर अनजान लोगों की जानिब से पथराव किया गया, जिससे पुलिस बंदोबस्त में इजाफा भी किया गया। दिगर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी केएसआरटीसी मुलाजमीन के इस एहतजाज को हिमायत हासिल हुई। एक और वारदात में एहतजाज करने वाले का तरीका भी अजीब रहा। रायबाग शुगर में मुलाजमत करने वाले वामनदेव नामी शख्स को तनख्वाह न मिलने पर डीसी दफ्तर के दूसरे मंजिल से खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ एहतजाजों के बीच ये वारदात भी काफी चर्चा का मौजू रहा। एक और वारदात इसी दरमियान पेश आई। एहतजाज के वक्त किसी ने न्यूज चैनल के रिपोर्टर पर हमला किया, लिहाजा हमलावर को गिरफ्तार किया गया। इससे ये भी मालूम हुआ है कि गरीब मजलूमों के हक में आवाज उठाने की बजाय महंगाई, बेरोजगारी और दिगर मसाइल से परेशान आवाम को ही सवाल करने की आदत मीडिया को पड़ी हुई है, जिससे आवाम में मीडिया को लेकर नाराजगी भी देखी जा सकती है। दिल्ली के किसानों के एहतजाज में भी मीडिया पर आवाम का गुस्सा देखा जा रहा है। उसी तरह एनआरसी के वक्त हो या फिर लॉकडाउन के वक्त, बजाय हुकूमत के गलत पॉलिसियों पर सवाल करने की बजाय आवाम से ही सवाल जवाब करने में मीडिया को अक्सर देखा गया, जिससे आज नाराजगी का ये मुजाहरा देखना पड़ रहा है। केएसआरटीसी के दरमियान सहाफियों पर किस लिए हमला किया गया, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया। पूरे देश में एहतजाज का दौर जारी है। मनमानी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को देश विरोधी कहा जा रहा है। यहाँ तक के देश के अन्नदाता किसानों को भी मोदी हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने को लेकर कभी पाकिस्तान या चीन की हिमायत हासिल होने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है।
आखिर देश किस सिमत में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। लोकतंत्र जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि वह सत्ता से सवाल पूछे। अगर विपक्ष खामोश हो जाए, अवाम सवाल पूछने से डरने लगे और मीडिया हुकूमत की गोद में बैठने लगे तो समझो कि लोकशाही खत्म हो रही है। पर भारत में मोदी हुकूमत के खिलाफ हर रोज होती है एहतजाज की आवाजें, यह यकीन दिला रही है कि आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, भले ही मरकजी हुकूमत इन्हें दबाने की लाख कोशिश करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।